नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वंदना। आज विश्व गौरैया दिवस है और इसको लेकर के पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के बच्चे काफ़ी शामिल हैं। आप देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर जो चीज़ जो यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, यहाँ गौरैया का है और छोटे छोटे बच्चों का है। तो ये धीरे धीरे जो गौरैया का जो संख्या जो विलुप्त होते जा रहा है, उसको जागरूक करने के लिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अच्छी पहल की गई है और इसमें ज़्यादातर जो है वो स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। काफ़ी यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं, उसमें लोगों को बताया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो है इस पक्षियों को बचाया जा सकता है। चाहे आप अपने घर पर छत पे एक छोटा सा बर्तन में पानी या दाना भी रख करके आप। बाबू, इससे से क्या आज तुम लोग को क्या सीख मिली? इससे से चिड़ैया लोग को बचाना है, गौरैया को बचाना है, घोंसला बना के लाए। मैम बहुत मेहनत लगा है, इसी के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? श्रेया सलोनी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7th। आज क्या सीखी तुम लोग आई यहाँ? आज हम लोग सीखे गौरैया को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि वो कैसे बचा पाओगी गौरैया को तुम? उसके लिए घर घोंसला पेड़ पौधा लगाकर उसके लिए घर घोंसला बनाकर और हमें उसे बचाना है। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? खुशनुमा बेल। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास सेक्शन सी। आज गौरैया दिवस है, क्या सीखी आज के दिन, कैसे बचाओगी गौरैया को? मैम हम लोग को ज़्यादा नेटवर्क जैसे जो लंबा ये खम्बा या कुछ भी तार वगैरह वो सब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैम हम लोग को गौरैया को बचाना चाहिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इन बच्चियों के हाथ में जो है वो घोंसला बनाया गया है और इसमें काफ़ी सुंदर से ये लोग अपने खुद से आर्ट बना करके ये लोग दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो इन बच्चियों का श्रेय जो है वो एक तरह से जागरूक करने का है लोगों को। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? आयुषी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। आज क्या सीखी और कैसे बचा पाओगी जो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे गौरैया को? हमने ये सीखा कि गौरैया को उसको जगह देना है, उसे अपने घर में रखना है, उसे भी खाना दाना पानी सब देना है, उसे बचाना है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? ज्योति कुमारी, क्लास 8। क्या आज इस जो ये तो जो आज तस्वीर बनाई हो, क्या सीखी इसमें? मैम हमने यही सीखा कि गर्मी आ रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और हम लोग अपने अपने घर की छत पर थोड़ा पानी थोड़ा दाना रखे और चिड़िया को स्वच्छ रखे, उनका भी हक दें। जी, तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। तो इस बच्चे के हाथ में देख कितने खूबसूरत जो है वो तस्वीर बनी हुई है। एक तरफ जो है वो दाना रख दिया गया है, एक तरफ पानी रखा हुआ है और खूब सुंदर जो है वो एक घोंसला बनाया गया है, या इसको कह सकते हैं कि घर बनाया गया है। और आसपास में जो भी गौरैया के जो दाने हैं उसको रखा गया है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं, बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? मनीषा कुमारी। मनीषा क्या आज सीखी तू? मैम हम लोग सीखे कि गौरैया को बचाना है और उसके लिए दाना पानी छत पे बचाओगी? मैम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करेंगे और उसको हर चीज़ के लिए तार वो सब हटा देंगे और लगाएंगे भी तो साइड में, उसको अच्छा खाना पाना सब देंगे। तो मैं सब बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग इस बात को कल से करोगे या अभी से करोगे? मेरी तरफ से हम लोग को बहुत सुविधा मिलती है। हम लोग अभी, मेरा नाम कविता कौड़ी, मैं कन्या मध्य विद्यालय गोलघर पार्क से हूँ, 8 क्लास सेक्शन बी की। लाइव 360 डिग्री की तरफ से बहुत सारी सुविधा मिलती है, जो मौका हम लोग को नहीं मिलती थी वो लाइव 360 डिग्री बहुत अच्छा मिला है। जो लॉकडाउन लगा था उसके जब हम लोग सोचे पढ़ाई नहीं हो पाएगा तो और क्या कर पाएंगे आगे, तो ये अजीत सर जो है वो हम लोग का ग्रुप बनाए व्हाट्सअप पे। ग्रुप बनाने के बाद फिर हम लोग को क्लास बाई क्लास हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर देते थे और टाइमिंग भी अलग अलग, और ऑनलाइन हम लोग कंपटीशन भी कराए थे पेंटिंग का, जिसमें हम फर्स्ट आए थे। और गांधी मैदान जो योगा करने वाला जो है वहाँ पे हम लोग को प्राइज मिला था। हाँ, हम दोनों टीचर जो हैं कन्या मध्य विद्यालय गोलघर पार्क से आए हैं और हमारी सारी जो बच्ची है 50 बच्ची आई है, 50 है ना, 55 है। तो हमारे स्कूल की एक सरकारी स्कूल की सराहनीय है और हमारे अजीत सर हैं जो मुफ्त में मेरे विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देते हैं और कोरोना काल में ऑनलाइन भी पढ़ाई किया है, बच्चों को क्लास दिया है, तो ये बहुत उनके लिए सराहनीय है। आइए सर। हाँ, ये इन बातों को रखिए, हम सर से बात कर लेंगे। हाँ हाँ,
ये इन्हीं के लिए मतलब क्लैपिंग करना चाहते कि हमारे बच्ची को बहुत सारा योगदान दिया है। यस मैं आशा रानी सहायक शिक्षिका कन्या मध्य विद्यालय गोलघर पार्क से हूँ और ये हमारे साथ हैं हम दोनों टीचर उसी विद्यालय के और ये हमारे बच्चे हैं। सबसे पहले हमारे बच्चों के लिए क्लैपिंग है और उसके बाद हमारे सर जो हैं और ये अजीत सर और जिया मैम 360 डिग्री से ये लोग हैं। ये लोग इतने यूनिक पर्सन हैं कि आज तक इतनी अच्छी पर्सनालिटी हम जीवन में नहीं देखे हैं कि मुफ्त एंड निःशुल्क ऑनलाइन क्लास भी चला और प्लस आज के डेट में ये एक्टिविटी करा रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी चीज़ है बच्चों को इतना प्रोत्साहित करना फोन पर लगे रहना स्कूल से जुड़े रहना हमेशा इन लोग मतलब बहुत मतलब ऐसा हम सराहनीय अपने वक्त में से आजकल कोई वक्त नहीं निकाल पाता है फिर भी ये लोग वक्त निकाल कर इन बच्चों को इतनी बड़ी शिक्षा इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं इसलिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं अजीत सर और जिया मैम के। देखिए मैं 360 से लाइफ 360 डिग्री से एक मेंबर हूँ जिया राज। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने बच्चों को जो सिखाया जो भी बताया वो आज हम लोग के सामने है बच्चे कर रही हैं जीत भी रही हैं और कोशिश तो बहुत ही कम वक्त में बच्चों ने सीखा है। इनका इतना क्यूरियोसिटी इनकी हाई है बहुत जल्दी ये कवर करती हैं। हम लोग का उम्मीद यही रहेगा कोशिश यही रहेगा कि आगे हम लोग इनको और भी सिखाएं। तो आप देख सकते हैं 5-6 साल से हो रहा है तो 5-6 साल से लड़कियां वैसे करती आ रही हैं तो ये आज का कुछ नया नहीं। हमारे 360 डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो सर हैं उन्होंने 5-6 साल से मुहिम चलाई है हमेशा करते आ रहे हैं हम लोग कभी यहाँ कभी और कभी स्कूल में। उसमें सबसे हट करके इस बार क्या कुछ है बताया गया क्या कुछ सिखाया गया बच्चों को अब देख सकती हैं बच्चों को नई नई तरीके सिखाया गया कि कैसे कैसे आप कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हो फेंकी हुई चीज़ों से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा आप कुछ प्लास्टिक वगैरह वेस्ट नहीं करोगे आप उसी फेंकी हुई चीज़ों से उठाकर कुछ नया बनाओ जो आपके लिए फायदा हो जो गोरैया के लिए फायदा हो पंछियों के लिए फायदा हो। 360 का जो कॉन्सेप्ट है ना 360 आइए मैं दिखाता हूँ आइए कम इधर मैं दिखाता हूँ आप इधर आइए। अभी सबसे बड़ा इशू है वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है सबसे बड़ा इशू है ना इशू ना कबाड़ सबसे बड़ा आज से 50 वर्ष बाद कबाड़ ऊपर होगा हम नीचे होंगे तो उस थॉट को लेते हुए हम लोगों ने ये खासकर हमारी जो संस्था है 360 डिग्री उसको हम लोगों ने डेवलप किया कि नहीं कबाड़ को कैसे रिसाइकल करके यूज़ किया जाए। तो ये जितनी भी चीज़ें देख रही हैं जितनी बच्चियाँ बनाई हैं देखिए ये सब घर का कुछ भी खरीदा हुआ नहीं है ये सब घर में पड़ा हुआ था ये भी घर का चीज़ है ये भी घर का चीज़ है ये भी घर का चाहे ये देखिए ये भी क्या बलून से बनाया हुआ है बलून पर रख दिया लोगों ने धागा से घर का में धागा रखा हुआ है ये सारी चीज़ें ये देखिए बॉटल है ये देखिए ये सारी चीज़ें घर में रखी हुई किसी कोने में कबाड़ है मैंने इनको बोला कि आप ऐसे बनाओ वी हैव टू ट्रेन देम और उसको ऐसे ये बनाते हैं ये लोग जी। तो आपका ये जो बच्चों को बताया गया जो आप बताए हैं ये काफ़ी सराहनीय है क्योंकि जो भी चीज़ें हैं क्योंकि खास करके ऐसे भी बच्चे हैं जो कि वो खरीद करके नहीं कुछ बना सकते हैं तो घर में जो भी सामान पड़े हुए हैं जो वेस्ट सामान है उन चीज़ों से ये लोग बच्चियों का एक नई शुरुआत की गई है ताकि हम कैसे कम से कम लागत में कम से कम समय में हम एक तरीका जो है वो अपनाएं ताकि हम जो गौरैया जो विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे उसको कैसे बचाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल मैं गौरैया संरक्षण का काम कर रहा हूँ संरक्षण शब्द थोड़ा अटपटा इसलिए लगता है कि अभी मेरे साथ इस स्टॉल पर पटना कॉलेज के कई छात्र जुड़े हुए हैं जो पर्यावरण योद्धा के तौर पर अपने जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उस पैसे से वो जमा करते हैं और उसके बाद बॉक्स बनाते हैं और दाना भी देते हैं और लोगों को निःशुल्क देते हैं आप रजिस्ट्रेशन कराइए आपके घर पर ही बॉक्स लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं इस पूरे मतलब कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पटना में बहुत सारे मैं भी उसमें से एक हूँ। 2007 से लगातार मैं गौरैया को दाना पानी और आवास को देकर उनको मतलब अपने घर बुलाने की व्यवस्था में लगा हूँ और मैं सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने घर पर दाना पानी की जब व्यवस्था करेंगे तो ये चिड़िया आपके पास आएगी क्योंकि बहुत बड़ा संकट है आज के दौर में दाना पानी और बॉक्स दाना पानी इसलिए कि जो कीटनाशक इस्तेमाल हो रहा है हमारे घरों में अब पैकेट बंद आपको चावल आता है अनाज आता है उसमें आप छाटते नहीं हैं फटकते नहीं हैं तो कैसे इसको खिलाएंगे पहले आंगन फटका जाता था आंगन का कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है बाग बगीचा भी नहीं है तो चिड़िया जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो जब आप शहर में हैं या फिर कहीं भी हों तो आप उसको दें तो वो खाएगी आएगी आपके पास आई है मेरे घर में आई है और लोगों के घर में आई है कई मेरे पास हज़ारों उदाहरण है उनके घर में गौरैया आई है और रहने लगी है और अंडे भी उसके हुए बच्चे भी निकले तो एक पहल होनी चाहिए हर को पहल करनी चाहिए हर लोग को जुड़ना चाहिए इस मुहिम से।
या फिर उसके साथ साथ अन्य पक्षियों को हम कैसे बचाएं, क्योंकि गर्मी का समय आ गया है। अब जो प्यासे पक्षी हैं, जो भूखे पक्षी हैं, उन लोगों को किस प्रकार भोजन या पानी मिले, इसके लिए एक पहल की गई है। और आज विश्व गौरैया दिवस है। गौरैया को बचाने की जो ये बच्चों द्वारा काम किया गया वो काफ़ी सराहनीय है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से बच्चे लोग जो जागरूक कर रहे हैं, और भी बच्चे इससे कैसे जुड़ेंगे और कैसे इस लोगों से सीख करके वो भी क्या कुछ आगे कर पाएंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन ऐसे ही खबरों के लिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।